प्रेमी श्रोताओं, दादा लक्ष्मी चंद जी की कलम से लिखी रचना कि जब वो रांझा रूबी फकीर बन जाता है, बाबा बन जाता है, बाबा का भेष भर लेता है और कुछ परिहारी कुएं पर पानी भर रही थी, उन परिहारी के पास जाता है और परिहारन को देख करके जब कहने लगा कि थोड़ा सा मुझे पानी पिला दो, प्यास लगी है। हाँ। तो किस तरह से वो परिहारन कह रही है और क्या कहती है कि तू तो मुझे कोई बाबा नहीं लगता, तू बाबा के भेष में कोई ढोंगी लगता है। और किस तरह से क्या कह रही है सुनिएगा। हीरे कुएं पहलू गैया धोरे काम की फकीर का, फिर से फकाया मोटे चौकस कैसे पीर का, चौकस कैसे पीर का। हीरे कुएं पहलू गैया धोरे बुझाए थे काया में बड़ा आग जा, काया में बड़ा आग जा, काया में बड़ा आग जा। और बताया फस्या रहे हैं इरे, फस्या रहे हैं, फस्या रहे हैं जाल के मजी में रसा जाग जा, भूख लगे ना प्यास बाबा सो सो को सब आग जा, सो सो को सब आग जा, सो सो को सब आग जा। नाग जा लपेटा जिसके, नाग जा लपेटा जिसके, की जंजीर का फिर से फसाया मोटे चौकस के सबीर का, चौकस के सबीर का। वाह ए हे, कैसे भला यही बात है मेरी जी। ओ मेरे तमुरे, हाँ ए हे तमुरा तमुरा। परिहारन ने वो बाबा जी बन के बैठा था, ये कहने लगी कि तू तो कोई ढोंगी लग रहा है, सच्ची सच्ची बता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई प्यार व्यार का चक्कर फंस गया दिखे। हाँ। इसीलिए तेरी हालत ऐसी हो रही है। और किस तरह से कहने लगी बता दे। परी देशियों से ना अखियां मिलाना, परी देशियों से ना अखियां मिलाना, तेरे पे बिछड़ेगी, इश्क की आहा।
नजरें पड़ेगी, कर ली पहचान बाबा जय नजरें में पड़ेगी, जय नजरें में पड़ेगी, जय नजरें में पड़ेगी। बात के बिगड़गी बन के, बात के बिगड़गी बन के, खेल से तकदीर का फिर से बचाया मोड़े, जो कस किस वीर का, जो कस किस वीर का। पहचान लिया भगवा वेश करके पर्दा पाप का क्यों तान लिया, पाप का क्यों तान लिया, पाप का क्यों तान लिया। चाहता नहीं एरा चाहता नहीं, चाहता नहीं जीना क्यों मन में मरना ठान लिया, पानी का तनियो है मोटे ओडा तन आन लिया, ओडा तन तान लिया, ओडा तन तान लिया। जान लिया हमने ना तू, जान लिया हमने ना तू, किसाया से वीर का फिर से भगाया मोड़े, जो कस के से वीर का, जो कस के से वीर का। ओ प्रमोद आहा और कैसे कहने लगता है बताइए, कैसे कहता है। हाँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, अच्छा। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, हसीनों से ऐ लिए क्या चाहते हो, हसीनों से ऐ लिए क्या चाहते हो, ए बड़े ना समझ हो जो वफा चाहते हो, तेरे प्यार का। मावण की बार बार जिंदगानी बावण के ना आवण की, बावण के ना आवण की, बावण के ना आवण की। आँख से ए हे, आँख से आए हे, आँख से कंटिली बाबा मार के गिरावण की, देखे बिना सरता को ना टाल कर लखावण की, टाल कर लखावण की, टाल कर लखावण की। गावण की खटक में लक्ष्मी, गावण की खटक में लक्ष्मी, तेरा झोला भोला शरीर का फिर से भगाया मोड़े, चौकस के सबीर का, चौकस के सबीर का। कुएं पे लुगाया धोरे, कुएं पे लुगाया धोरे, काम के फकीर का फिर से भगाया मोड़े, चौकस के सबीर का, चौकस के सबीर का। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी झांकी के माँ गोड़ा मारू, मैं बाट गोपिया सनका। बहुत अच्छे। और कहने लगे क्या, एक निशाना जो कर दो ना, चढ़िया बालक पंडिता झांकी के माँ गोड़ा मारू, बाट गोपिया सनका। एक निशाना जो कर दो ना, चढ़िया बालक पंडिता।
का एक निशाना चुप कर दो ना चलिया बालक बने का गोपियां सनका और एक निशाना चुकन दूना बाट गोपियां सनका छलिया बालक पनका पहली बात के माध्यम से के कहने लगे दादा के बताया हाँ। बोली मार के सपेरा तू ना कर काली खास सपेरा तू ना कर काली तेरा तू जहर भड़ का एक निशाना चुप कर दो ना फरिया बालक पड़ का एक निशाना चुप कर दो ना फरिया बालक पड़ का घूम लिया पर जैसी तेरी शकल है ना ऐसी शान शकल मुझे और कहीं दिखाई नहीं दी। दूसरी बात के बात के माध्यम से हाँ। दादा के कहने लगे ऐसे ये लिखा
उचाटी ओ चाटी मेरी गला चाल परे मेरी गला मेरा चाल परे मेरा राजी चाटी हो चाटी हे राजी चाटी हो चाटी नई जगह पे न्यू लागे नई जगह पे न्यू लागे चलो पर शेर हो बड़का एक दसाना चुप दोना चलिया बन कुपन का तेरे बीच में गोला मारू बाट बे पिया सन का एक दसाना चुप दोना चलिया बन कुपन कहने लगे के बताया छाती खिचमा छाती खिचमा पेट सुकड़मा छाती खिचमा आँख में रख की डाल पर नाक सुवासी मुंह बटवासा होठ लाल ते पान पड़ी रूप गजब का जोड़ा लेडी रूप गजब का मेरा मेरी किसे मारस का काल पड़ी लक्ष्मी संस्था न्यू सोचेगी करके दुनिया काल परी करके दुनिया काल परी मेरा काम सिर सा जाटी आला काम सिर सा जाटी चला चला मान सिंह ब्राह्मण का एक निशान चुपन दुना हरिया बाल कुपन का झाकी के मां गोला मारू बाट गो एक निशाना चुकर दुना गलिया बालक पंका एक निशाना चुकर दुना चलिया बालक पंका तू सब आचट है झंडू का मुझ सारी है झंडू तूने मुझे आज हैप्पी होली नहीं बोली अरे बोलने का मौका कहाँ दिया तूने सब कुछ मरोड़ दिया तने औरत बता के झंडू का दिले तोड़ दिया ओ तुझे मैं औरत नहीं तुझे तो मैं बाबू कह दूंगी बाबू हे बाबू कहना स्वीकार है जमा टेल लांगे आज तो मौका है सांझ ने फाग खेल लांगे और तेरी घरवाली को पता चल गया तुझे कूट देगी अरे कूटन की चिंता ना करे बतेरे ललकार लिए तेरा तो नंबर बाद में पड़ेगा सवेरे सवेरे कोरडे मार लिए तेरी लुगाई कोरडे मारिया करे तेरे रोज थोड़ी मारा है आज मारने का मौका था जमा तेरी थी मैं तने के बताऊं आए लत्ते में प्लास्टिक की पाइप ले रही थी प्लास्टिक की पाइप तो मारिया है पाइप तो मारे हूँ जमा रूठ रहे हैं हाँ। हाथ फेर के देख कमर में जमा गुल्ले उठ रहे हैं दिखाइए झंडू खड़े हुई खड़े होने की बात ना करे जमा सताले तीन कुल्ला पे लाग रहे हैं कड़पे हाथ ला ले दिखाइयो बाबू देख ले ओहो न्यू ना करे जमा के सोचे है उसने तो कमी छोटी भी नहीं तू भी बहुत से है अरे तेरे तो अब अच्छी ओहो आई जुलम करे है तुम्हारा डे है यो कौन सा बाबी तगा है मेरे चिचड़ी बाट भाई कमाल हो गया जमा थाया है इसने तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए लुगाई पे पिट के आया है अरे पिटना मुझे स्वीकार है धरती ही अलगा जे उसका मैं मारने खाऊंगा तो घर के ऊपर चल लेगा
तो लुगाई पे मार खा के भी तू यहाँ मुंह आके दिखा रहा है कि मैं मर्द हूँ। मर्द की बात नहीं, सपने में खोया था, तुम ही तो मर्द को आवे उस दिन रोटी पोवा था। लेकिन भाई साहब रोटी पोने में और मार खाने में तो जमीन आसमान का फर्क है। फर्क की बात ना करे, सपने में खोज हूँ, मेरे बरगा वफादार एक भी पति को नहीं, मैं तो अपनी लुगाई के लत्ते भी धो दू। लो जी और बढ़िया मर्द देख लो, लुगाई के लत्ते धोने के बावजूद भी अपने आपे को मर्द कहे। अरे मर्द में क्या कमी है, अपना दिल बहला दी थी, एक दिन सलवार के प्रेस करूं था, बनवा चला दी थी। तो तू अपनी लुगाई की सलवार पे परेस भी कर दिया करे। और क्या बात करे, तू नहीं करता लुगाई की सलवार पे परेस करया करे है तू। अरे पैसे तो घर के बचे हैं, जमा ले रही हूँ, बिजली घर में है, अब क्या हो गया जो ऊपर को फेर दूं, पैसे तो अपने बचे हैं ना, नहीं मैं धोबी में भी दुआ सकूं। चुप, तने मर्द जात की बदनामी करवा के पटक दी। अरे किसकी बदनामी, धरती ही हल है, बाहर चाहे गवर्नर बनया रहो, घर तो लुगाई की चल रहे है। गुड्डा भी अलबेला हूं जमा सता दो, और सुंदर लगूंगा, दूसरा रंग भी चढ़ाए दो। गुड्डा नहीं लग रहा, बुड्ढा लग रहा है, बुड्ढा, मोटा बुड्ढा। फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, अपना दिल बहलान लग गया हूँ, अब थोड़े दिन में मैं सलीम हो जाऊंगा, क्योंकि मैं दौड़ लगान लग गया हूँ। तू सलीम ना होवे, तू तो और भी मोटा हो गया, फटने वाला हो रहा है। मैं फटने वाला नहीं हूँ, जमा सता देती है, क्या करूं, घर वाली अच्छी इतनी है, मुझे खाना जबरदस्ती धक्के से खिला देती है। चुप रह बे, मतलब की धुआं दे रहा है, तेरी बात का यकीन नहीं होता मुझे। कैसे यकीन, तेरी किसी बात का यकीन, तेरे चोट भी नहीं लग रही। लग रही क्यों नहीं, अरे यूं बता, यूं कह मैं लुगाई ने पीटा हूं, अब लुगाई भी तो कई है, तेरा कुंसी ने पीटा है। हैं? ये तो बात ना करो, जमाना सताओ, मैं तो पति वर्ता पति हूँ, मेरा झूठी तो मंद ना लाओ। पत्नी वर्ता क्या, पत्नी वर्ता, हाँ वही जो भी तू कह लेगा। चलो 15 तारीख को मैंने जब रागनी गाई, चूल्हा नहीं जल रहा था देश में, लोगों के आंसू नहीं सूख रहे थे, शहीदों की विधवा और शहीदों की माताएं कह रही थी कि ये करो वो करो, सबने कहा 4000 मारो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम 40,000 पाकिस्तानियों को भी उड़ा दें, खत्म कर दें, तो दोस्तों बुजुर्गों क्या आतंकवाद समाप्त हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो देखिए मैं देहाती जमीन पर पलिया बड़ा हुआ हूँ, देहाती बालक हूँ, देहात में सब कुछ सीखा है, शहर में तो अब 4 दिन से रहने लगे। सजनों अगर मैंने सटीक विश्लेषण किया हो, कलम थोड़ी गुस्से में थी और गुस्सा जायज भी था, अगर ये गुस्सा सही हो और आतंकवाद का खात्मा इसी प्रकार से हो सकता है, इतना कड़वा बोल गया मैं, इतना कड़वा बोल गया कि जब ये पाकिस्तान से फोन आ रहे हैं तो रिकॉर्डिस्ट ने तो ये कह दिया था कोई तुझे भटका भी देगा या संविधान से देश चलता है तेरी जेल हो जाएगी। तो साथियों फिर मैंने भी ताल ठोक करके कहा कि अगर शहीदों की रागनी गाते गाते तू तो जेल की बात करता है, अगर फांसी पे भी चढ़ने का मौका मिलेगा तो इससे बड़ा सौभाग्य और दूसरा क्या हो सकता है। अरे भगत सिंह का नाम फांसी पे चढ़ने से ही तो हुआ, अशफाक उल्ला खां का नाम फांसी पे चढ़ने से हुआ, ठाकुर रोशन सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे लोगों का, क्रांतिकारियों का नाम फांसी पर चढ़ने से ही तो हुआ। तो दोस्तों फिर हमने देश के मुखिया को कहा कि तू लंबी लंबी फेंकता है, अब वो समय आ गया है, अब संभाल बात को। और मुखिया की प्रशंसा नहीं की, लोगों ने तो गुलामी करके प्रशंसा की है, मैंने प्रशंसा नहीं की अपने गाने में, एक शब्द भी कोई उनकी प्रशंसा में बता दे तो मैं जो वो सजा देंगे उसे स्वीकार कर लूंगा। मैंने तो उलाना दिया है, ताने मारे हैं, क्योंकि बुजुर्गों अगर कोई मारे घर का बालक किसी दूसरे के पड़ोस के बालक को पीट के आ जाए तो घर वाले जो उलाना भुगतते हैं वो मुखिया भुगतिया करता है, जो घर का मालिक होता है। इसी प्रकार से अगर देश में कोई गड़बड़ी होगी तो उलाना भी देश के मुखिया को दिया जाएगा जो मुख्य गद्दी पे बैठा हुआ है। सुनिए आतंकवाद के सफाये किस प्रकार से हो सकता है, दो लाइनों में मैंने ठीक कह दिया हो तो आप समर्थन तालियों का कर देना। सुनिए
अरे पुलवामा की शहादत का, क्या दर्द नहीं तेरे सीने में। ये तो है पहली लाइन। अगली लाइन में आतंकवाद का समाधान दिया, और मैं समझता हूं कलम गुस्से में जरूर थी, लेकिन ये परमानेंट समाधान है आतंकवाद का। अगर थोड़ी कड़वी है पर सच्चाई हो तो समर्थन जरूर दे देना, जितनी महफिल ढाणी की यहां बैठी हुई है। अरे पुलवामा की शहादत का, क्या दर्द नहीं तेरे सीने में। ओ मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने, मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। पुलवामा की शहादत का, क्या दर्द नहीं तेरे सीने में। मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। अगर ये काम कर दिया जाए, क्यों जी बाबू जी, तभी मिट सकता है आतंकवाद, फिर नहीं रहेगा, जड़ से मिट जाएगा। क्योंकि न्यू क्या करते हैं, रोग को मत मारो, रोग की जो जड़ है उसे पकड़ लो और खत्म कर दो। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है ये जो मैंने दिया है, आयुर्वेद रोग को जड़ से खत्म करता है दादा। अंग्रेजी दवाई तो दर्द खत्म करती है, पर आयुर्वेद जड़ से रोग को मिटा देता है। जहां तक ये तो पाकिस्तान का समाधान हो गया, अब कुछ गद्दार हमारे घर में भी तो बैठे हैं। कश्मीर के अंदर अगर आतंकवाद फैलता है तो कश्मीर के लोग उन आतंकवादियों को अपने घर में छुपाते हैं। बोलो छुपाते हैं कि नहीं छुपाते? उनको तो घर में छुपाते हैं, मेहमान बना के बिरयानी खिलाते हैं और हमारी सेना के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। बोलो फेंकते कि नहीं फेंकते दादा? तो एक गायक और कवि होने के नाते दिल में टीस पैदा होती है। अक कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो भारत में ना हो, कोई दूसरा मुल्क हो। अक कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वो घाटी में भारत के झंडे को रोज जलाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं और भारत मुर्दाबाद बोल के वो जिंदा रह जाते हैं। जब 40 जवान मरे थे तो गुस्सा देखिए मैं कहां तक पहुंच गया। सोनोटेक में खोलना इस रागनी को मैं कहां तक पहुंचा। मैंने लिखा मोदी जी, अरे मोदी जी क्या सत्ता मत के अहंकार में ऐंठे हो? ओ मोदी जी क्या सत्ता मत के अहंकार में ऐंठे हो? और क्या अब 40 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? सेना को आदेश थमाओ, सेना को आदेश थमा दे, घाटी गैर नहीं होगी और अब जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उसकी खैर नहीं होगी। ये समाधान है, सुनिए क्या बताया। इरे कश्मीर का आज तलक भी मिट्या नहीं अड़भेड़ा, एक के बदले 100 सिर ल्याऊं, कहां गया वादा तेरा। 48 जवानों के घरे हो गया घोर अंधेरा, मेरी बहनों के सिंदूर मिटे क्यों ना खून खोल रहा तेरा। बहनों के सिंदूर मिटे क्यों ना खून खोल रहा तेरा। दुनिया में सम्मान बढ़ेगा, दुनिया में सम्मान बढ़ेगा स्वाभिमान के जीने में। ओ मोदी जी अबे आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी अबे आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में।
नेताओं का काम होता है नेतागिरी करना। 26 तारीख को जब सेना ने बदला लिया तो एक या दो दिन तो नेता चुप रहे, फिर सबूत मांगने लग गए। सरदारों देखो, मैं निष्पक्ष आदमी हूं, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना किसी पार्टी को पसंद करता, पर एक बात बताना, आप भगवान बराबर बैठे हो। 5 आदमी जहां बैठ जाए वह भगवान होता है, तुम तो हजारों में बैठे हो। क्या हमारी सेना गद्दार हो सकती है? क्या हमारी सेना झूठी हो सकती है? दोस्तों, दुनिया तो कुछ भी कहे, 22 साल रागनी गाते गाते हो गई सेना की। और जितने, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई सगा संबंधी सेना में नहीं होगा या कोई मेरा अड़ोसी पड़ोसी सेना में नहीं होगा, कम से कम 100 ऐसे सैनिक हैं, कम से कम 100, जो मुझे दूसरे तीसरे या चौथे दिन फोन करते रहते हैं। मैं उनसे बात करता रहता हूं तो वो कहते हैं कि हम सेने के नेता नहीं है, हम बोल नहीं सकते। नहीं तो नरदे भाई, जितना अनुमान पाकिस्तान लगा रहा है इससे कई गुना नुकसान हमने करके दिखाया है। अजहर मसूद के कई रिश्तेदारों का सफाया हो गया, 225 तो पाकिस्तान ने ही मान लिया, एक साहब 225 मरे हैं हमारे। जबकि एक बात बताऊं, दुनिया में झूठे देश हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तान से झूठा कोई दूसरा मुल्क नहीं हो सकता। इसलिए नेताओं का काम होता है वोट की बात करना, चाहे इनका मर जाओ सगा संबंधी भी, उस पर भी वोट की राजनीति करेंगे। ये तो कहते हैं क्या हो गया, अरे एक जवान गया है, हमने पैसे धेले दे दिए, इतने लाख रुपए दे दिए हैं, लेकिन ये नहीं जानते, अक सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की तो लंगोटियां चली गई। वाह, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की तो लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, सारे ही जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर किसी के घर की तो रोटियां चली गई, किसी के घर की तो रोटियां चली गई। मेरी इस रागनी पर 500 रुपए हमारे साथी ने दिए हैं, एक बार तालियों से स्वागत करिएगा। और 20 रुपए हमारे दादाजी दे रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरी कली में जो प्रतिशोध आपके सीने में, उस प्रतिशोध को मैंने अपनी कलम से लिख दिया हो और जायज हो तो 4 लाइन सुनने के बाद फिर समर्थन देना, क्योंकि रागनी को दिल से आपके बीच में गा रहा हूं। सुनिए क्या लिखा, अरे मोदी जी से, अरे मोदी जी से कहना है ये हर एक हिंदुस्तानी का, पाकिस्तानी आतंकवादी सबक सिखा शैतानी का। 56 इंची सीना तेरा के जोश नहीं मर्दानी का। अब बजाना दादाजी ताली अगर अगली लाइन में। मैंने बड़ाई नहीं लिखी कि तेरा 56 इंची है, सबने कहा। मैंने तो ये कहा भैया अगर 56 इंची है तो ये तो टेलर बताएगा नाप के, अगर है तो मर्दमी दिखा भी, पूरा देश तेरे साथ खड़ा है, बोलो खड़ा कि नहीं खड़ा। अरे 56 इंची सीना तेरा के जोश नहीं मर्दानी का। बच्चा 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 मांग रहा है मोदी बदला इस कुर्बानी का। अरे बच्चा बच्चा मांग रहा है बदला इस कुर्बानी का। जख्म बड़ा है मरहम लगा, जख्म बड़ा है मरहम लगा, वीरों के खून पसीने में ओ मोदी जी अब आग लगा दे उस पाकिस्तान कमीने में। तीसरी कली, और तीसरी कली में कहा
एक छोटी सी फुंसी उठती है दादा, इतनी सी जब शरीर में फुंसी होती है ना, वो इतनी सी होती है बस, और अगर उसका इलाज ना करवाओ, इंजेक्शन ना लगवाओ या दवाई ना लगाओ, तो वो छोटी सी फुंसी फोड़ा बन जाती है इतना बड़ा, और इतना मवाद निकलता है उसके अंदर, और इतनी दर्द देती है जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए एक विद्वान कवि ने लिखा है, अक बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा, बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, तो दादाजी उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। और अगर कोई ये कहे कि साहब हम पाकिस्तान को फूंक नहीं सकते, इंटरनेशनल प्रेशर है, तो नौजवानों मैंने उस बात का भी जवाब एक कवि की कविता से दे दिया। अगर कोई ये कहे पाकिस्तान में अंदर मत घुसो मत मारो, तो हमारे पास जवाब क्या होना चाहिए? हमारे पास एक जवाब है, समर्थन करना। ये बोले मोदी दुनिया के मुल्कों में जाकर के कि हमको अपनी भारत माँ की रक्षा की मजबूरी है, हमको अपनी भारत माँ की रक्षा की मजबूरी है, एक नहीं सौ सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जरूरी है। क्या कहा सुन लीजिए, इरगर नहीं बदला लिया हौसला, गीदड़ का बढ़ जाका, कायर कुत्ता शेर बबर के सीने पे चढ़ जाका, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो कर तू जिद पे अड़ जाका, आतंकी तो क्या सारा ही पाक तेरे चरणों में पड़ जाएगा, आतंकी नहीं सारा ही पाक तेरे चरणों में पड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं दिख रहा, कोई फायदा नहीं दिख रहा, अरे घूंट सबर की पीने में मोदी जी अबे आग लगा दे, पाकिस्तान कमीने हो मोदी जी अबे आग लगा दे, पाकिस्तान कमीने हो। हमारे दादा रामेश्वर दयाल जी, दादा रामेश्वर दयाल जी 500 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए और 500 रुपए बालाजी महाराज के चरणों में उन्होंने दिए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे श्री राम बिलास जी सनोप श्री रति राम जी 5100 रुपए की राशि कमेटी के लिए दिए है, एक बार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। और आदरणीय राम बिलास जी ने 500 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के कलाकारों के लिए भी भिजवाया है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये छोटी बच्ची की तरफ से, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार इस प्रस्तुति पर दिया गया है, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय साथियों, भजन तो ठीक लग रहा है, पूरा करूं चौथी कली और बाकी बची हुई है, लेकिन दादाजी जो मैं गा रहा हूं आप देख रहे होंगे मेरा जोश, मैं दिल से आत्माओं से गा रहा हूं, ऊपरी बनावट नहीं है कुछ भी। क्यों? आप ये महसूस करोगे कि व्यक्ति सेना के साथ खड़ा हुआ है, किसी पार्टी का गुलाम नहीं, अपनी सेना को सदैव सलाम किया है और आगे भी करते रहेंगे। और ये भी कहना चाहते हैं, पूरा भरोसा है अपनी सेना के ऊपर कि हमारी सेना देश से गद्दारी नहीं कर सकती। साथियों, एक विद्वान ने एक दिन कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, कि अगर 1% सिर्फ 1% नहीं तो सिद्धांत कट जाएगा, 1% दादाजी अगर मजबूरी में करनी पड़े तो अपने मां बाप से गद्दारी कर जाना, पर अपने देश से कभी गद्दारी मत करना। पर आजकल देश से ही गद्दारी हो रही है, और सबसे ज्यादा ये जो खादीधारी है ना, ये सबसे ज्यादा देश से गद्दारी कर रहे हैं। किसी ने लिखा है, क्या लिखा है, अक राजनीति में सुभाष बोस जैसा किरदार नहीं देखा। वाह, आईसीएस की डिग्री को ठोकर मार दी थी सुभाष चंद्र बोस ने,
और जिस दिन ये देश किस दिन आजाद हुआ था नौजवानों, बेटा आपसे पूछना चाहता हूं हमारा देश कब आजाद हुआ था? मैं हंस के नहीं जवाब दे, चल बता, खड़ा हो बता, खड़ा होकर बता बेटा, बताया करते हैं। कोई बात नहीं, शाबाश, अभी बोलेंगे। इस बच्चे ने जवाब दिया, लेकिन बच्चा हंस रहा था। 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क, ये वतन हमारा आजाद हुआ। 14 अगस्त को जिस दिन आजादी मिल रही थी रात को, ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था वो आजादी देने के लिए आया था। उस समय भारत की राजधानी कहां थी आपको पता है? 1947 में उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता के अंदर हुआ करती थी, दिल्ली में नहीं थी। कलकत्ता के गवर्नर ने उस प्रधानमंत्री को पूछा कि सर आज तो कोई आंदोलन नहीं है, गांधी जी चुप बैठे हैं, कोई क्रांतिकारी आवाज नहीं उठा रहा, तो फिर आप भारत को क्यों आजाद करना चाहते हैं? बोले इसकी वजह है। अब क्या वजह है? आप इसका श्रेय किसे देना चाहोगे? क्या महात्मा गांधी को देना चाहोगे? क्या आप महात्मा गांधी से डर गए हो? तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, नेट पे सर्च करके देख लेना, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने कहा नो, हमें महात्मा गांधी से तो इतना सा भी डर नहीं है, ऐसे गांधी तो 1000 पैदा हो जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम छोड़ने वाले नहीं है भारत को। तो उसने कहा क्या आप भारत की तोप और बंदूकों से डर गए हो क्या? अंग्रेजी अफसर हंसता है प्रधानमंत्री और कहता है तोप और बंदूक तो हमसे बड़ी किसी के पास नहीं। तो गवर्नर ने पूछा साहब फिर क्यों आप भारत को आजाद कर रहे हो? तो जो वहां के प्रधानमंत्री ने जवाब जो दिया उसे सुनिएगा ध्यान से। वो प्रधानमंत्री कह रहा था ब्रिटिश का कि ना तो गांधी जी से डरते हैं ना भारत की तोप और बंदूकों से डरते हैं, अगर हम इस समय भारत को आजादी दे रहे हैं तो भारत में अब एक सच्चा नेता पैदा हो गया है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। उस सुभाष चंद्र बोस की वजह से हम भारत को आजाद करके जा रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं दोस्तों। ये तो जीटीवी पे एक सुधीर चौधरी नाम का उनका एक पत्रकार है, उसने भी बोल रखा है, देख लेना जीटीवी खोल करके। तो नौजवानों, लिखा है कि राजनीति में सुभाष बोस जैसा किरदार नहीं देखा और भगत सिंह जैसा दुनिया में कोई दूजा सरदार नहीं देखा। आज एरे गेरे नथू खेरे, आज एरे गेरे नथू खेरे तंत्री बन के बैठे हैं। हाँ। अरे दादाजी कुछ को तो जेलों में होना चाहिए था जो मंत्री बन के बैठे हैं। आई अंतिम कली, और अंतिम कली में भी मोदी जी को मैंने ललकारा कि अगर तेरे सीने में आग धधक रही है तो सुन, प्रतिशोध हमारे सीने में भी है, क्या कर, सुनिए। गूंज उठा होगा अंबर, गूंज उठा होगा अंबर जब इतनी चिता जली होगी, जब 40 गुरुजी आराम से, जब 40 डेड बॉडी एक साथ देश में जलती है दादाजी, तो सीने में कुछ बचता नहीं है। वही आदमी जानता है जिसका बेटा मरता है, वही माँ जानती है कि पीड़ा कितनी होती है बेटा मरने की, और वही विधवा जो अपने पति से हाथ धो बैठी वही जानती है कब जीवन कैसे कटेगा। नेताओं का काम है सिर्फ राजनीति करना, ये पैसा दे करके कहते हैं कि पैसा दे करके हमने पेट भर दिया, लेकिन आपको पूछना चाहता हूं क्या 10-20-50 लाख रुपए दे करके किसी का बेटा लौटाया जा सकता है? बोलो सरदारों, लौटाया जा सकता है? और नहीं लौटाया जा सकता तो देखो इन नेताओं के प्रति मेरी भावना क्या है। मैंने एक कवि की 4 लाइनें ढूंढी और वो सब जगह गाने का प्रयत्न किया कि तुमने 10-10 लाख दिए, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, और हमने सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। हमने अंदाजा लगाया कि तुमने किसी का बेटा या किसी का पति लौटा दिया 10-20 लाख में। हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह चोपड़ा साहब, वो हमारे बीच में पहुंचे, एक बार मैं उनका फिर स्वागत करूंगा, लेकिन भूल जाऊंगा, जरा मेरी लाइनों को ध्यान से सुनना कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं। भाई साहब 1 सेकंड ये पूरा सुनना, एक ही कली बाकी है, फिर उधर ध्यान करना कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को,
हमने सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, तो लो हम 20 लाख देते हैं तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो लड़ने भेजो मंत्री अपने बेटों को, तब पता चलेगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, डॉक्टर श्री गजय सिंह चोपड़ा साहब अभिनंदन है आपका, स्वाइएगा आपका भी अभिनंदन, और अभी हमारा अभिनंदन पाकिस्तान में खलबली मचा के आया है उनका भी अभिनंदन। हाँ मेरी ऐसी देशभक्ति के गीत पर बहुत ही आदर और मान के योग्य प्रोफेसर भूप सिंह जी 2100 रुपये कमेटी के लिए दिए हैं, जोरदार तालियां प्रोफेसर साहब के लिए। और जहां 2100 रुपये कमेटी के लिए दिए हैं, ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद जिस दिन मुझे मिलता है मैं अपने दिन को सौभाग्यशाली मानता हूं। और आज प्रोफेसर साहब ने आशीर्वाद दे करके मेरे मन में जो कहीं पीड़ा थी कि त्यौहार अपने घर मनाऊं, मुझे यहाँ जो त्यौहार मनवाया और जो आशीर्वाद दिया, मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। 2100 रुपये कमेटी के लिए और 1000 रुपये मेरी रागनी पे दिए हैं आदरणीय प्रोफेसर श्री भूप सिंह जी, मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ गुरु जी को, बहुत बहुत वंदन करता हूँ। हमारे श्री हजारी लाल जी ढाणी कमेटी 5100 रुपये का पुरस्कार उन्होंने हमारी कमेटी के लिए दिया है, और 200 रुपये हमारी टीम के लिए दिए हैं। श्री हजारी लाल जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाई स्वदेश, भाई सचिन और श्याम सुंदर जी ढाणी कुंभावाली से 50 रुपये का पुरस्कार दिया, धन्यवाद करते हैं। एक लाइन बाकी है बस। गूंज उठा होगा अंबर जब इतनी चिता जली होगी, बेटों का बलिदान देख भारत माँ मेरी हिली होगी, कहे नरदेव राम किशन की रात में कलम चली होगी, बदला तुरंत लियो मोदी जी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, अरे बदला तुरंत लियो मोदी जी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कश्मीर भारत का अंग, कश्मीर भारत का अंग, जैसे कूठी बीच नदी में मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में, अरे पुलवामा की, पुलवामा की शहादत का क्या दर्द नहीं तेरे सीने में, मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। जोरदार भारत माता की जय। अगर मैंने मैडम कह दिया तो तथ्यों के साथ मैं बोलता हूं, तथ्य के साथ क्या है, तथ्य के साथ क्या है, जमा थारी है तू मैडम बरकाई लागे तेरे झंडू कौन सी मूछ आ रही है, चश्मा लगवा लो। क्यों ये मूछ नहीं तो क्या बैंस की पुंजड़ है। हेलो भाई साहब देखियो एक भाई इन्हें भी मूछ बतावे है, जची नहीं तेरी मूछ, जची नहीं है अपना दिल बहला लूंगा, मूछ तो है इनकी थोड़ी और बता लूंगा। मैडम झंडू की जगह भाई हैं, आज तो कुर्ता कैसा पहन के आया, मुझे पता था कि आज त्योहार है तो ये तो ऐसा हो रहा जैसे पुराना पुराना कहीं से निकाल के पहन के आया हूं। तो धोती कौन सी नई पहन रहा हूं, धोती भी पुरानी पहन के आया हूं, मुझे पता था कि आज ना कुर्ता बचेगा ना धोती बचेगी, आज प्रोग्राम के बाद फिर रंगों के अंदर होली खेले करे जब नए कपड़े पहरे करे। देखो भाई अपने तो ठिकाना नहीं, अपना दिल बहला दूंगा कि मैं एट ए टाइम अपने नए कड़े से लिया तन्ना जरूर दुआ दूंगा। आइए ये हंसना हंसाना तो इसी प्रकार चलता रहेगा, और बड़ी सुंदर देशभक्ति रागनी अभी आपने सुनी, और हमें आदेश मिला है कि आपको थोड़ा हंसाया जाए थोड़ा गुदगुदाया जाए। बातें तो सभी सुनी सुनाई होती हैं लेकिन हर कलाकार का अपना अंदाज होता है, और जो ये
चुटकले होते हैं, इनकी कोई फैक्ट्री नहीं होती। ये कई बार जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिसका चुटकला बन जाता है। मन भी सोचा भाई झंडू, तने बच्चे पढ़ने हैं तू अपना दिल समझा ले, और तो तेरे काम बस कानी थ्री व्हीलर किराए पहले कह चला ले। मन ने थ्री व्हीलर किराए पहले ली भाई, मौके का फायदा ठान लाग रहा। मन ने मिल गई बुकिंग, मैं नांगल चौधरी छोड़न आन लाग रहा। बुकिंग छोड़ के चलिया भाई जमा त्यागी, दिन छिपू छिपू करे रोड पे तीन बुढ़िया आएगी। मैं भी आई था बे थ्री व्हीलर ओड़े रोक दिया, मेरा तो नाम झंडू है अगला ही ब्रेक ठोक दिया। मैं बोलिया कड़े जावेगी ताई और रेट जा, तेरे पे तो बाड़ा भी गाट लेऊंगा मेरी थ्री व्हीलर में बैठ जा। मन ने एक तय कया बे जमा रेठगी, आई तीनों बुढ़िया थ्री व्हीलर के भीतर बैठगी। मैं भी आई था बे जमा सजा लिया, मेरा भी नाम झंडू है थ्री व्हीलर सो की स्पीड से बजा लिया। बजा के लिया बे जमा रूठगी, आया ब्रेकर लगा झटका बैरन की कपलिंग टूट, कपलिंग के टूटगी भाई जमा जकड़ लिए, सापट घूमन लाग रही उसने में ब्रेक आले पाइप पकड़ लिए। पकड़ के लिए भाई जमा रूठ गए, लाग्या झटका हुए पाइप तो जड़ में तय टूट गई। टूट के गए भाई जमा साजली, मैं भी क्या गल कंट्रोल करूं थ्री व्हीलर दुनी तेज तेज बाजली। एक ऊंट की रेड़ी जावर जमा छान लाग रहा, मेरे भी दिदे पैट गए अगे ट्रकान लाग रहा। हारुए बुढ़िया बोली रे झंडू जमा ललकारेगा, डेढ़ के बीज एक न तो छोड़ दे तीनुआ न मारेगा। मैं बोला तू चिंता ना करे जमा रोड़ दूंगा, मेरा नाम झंडू है इसका ई बैंडल मोड़ दूंगा। मन ने हैंडल मोड़ दिया बे जमा लसकी, किले में पानी दे रखा थ्री व्हीलर उसका मैं फंस गई। फंस के गई बे जमा दड़गी, मैं चिपट गया हैंडल के तीनों बुढ़िया चिक्कड़ में पड़गी। पड़ के गई बे जमा लिपटगी, बली झंडू तो सूखा है तीनों मेरे चिपटगी। मैं बोलिया चिपटन ते काम नहीं चलता और रेड़ दो, मैं भी घर जाकर ना लूंगा मन ने भी चिक्कड़ में गेड़ी दो। एक बार ताड़ियां बजाई नहीं करूं, तुम्हारे चाहने से क्या होता है, तेरे ही चाहने से क्या होता है। और मैं चाहूंगी तो जरूर हो जाएगी शादी, और मैं चाहती हूँ तुमसे शादी करना, और मैं करके रहूंगी। मतलब राजी राजी नहीं दादा, जबरदस्ती करेगी देख लो। अब जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो दादाजी उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ती है ना। कोई नहीं, हम जमा मरोड़ देंगे। अच्छा, अगर उंगली टेढ़ी करेगी तो हम इसकी उंगली तोड़ देंगे। मोटे लकड़ हारे, मेरे बस की बात नहीं, जमा जकड़ लेंगे। मैं तेरे गल्ले को नहीं, मने है ना सेना वाले पकड़ लेंगे। सेना वाले पकड़ लेंगे? राज में तो सेना है नहीं। अच्छा अच्छा, वो पकड़ लेंगे, यानी कि तेरी मजबूरी है। मेरी कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आप मना लूंगी। सुन मेरी बात लकड़ हारे, हीरे उतर पीड़ ते तले एक बे, ओ वाह 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 लकड़हारे वाह।
तुम तो बहुत सुंदर गाते हो। मैं लठवी बखूबी बजाऊ हूँ। किस पे? मैंने झंडू की बहुत लाठी बजानी सीख रखी है। अच्छा सुनिए मेरी बात। सुना। हीरे उत्तर पीड़ित तले एक बैं रह दिल मेरा डाटने आले। और क्यों खोबे से टेम चली जा हम लकड़ी काटने आले। क्यों खोबे से टेम चली जा हम लकड़ी काटने आले। उत्तर पेड़ पे तले एक बेल मेरा डटने आले। खोबे से टेम चली जा हम लकड़ी काटने आले। तेरे मिलन की बाट बाट में घनी हानि हो लई मने। जाल गेरना चाहवे से न्यू कति जान हो लई मने। इरे शादी कर दे के शादी कर ले शादी कर तेरे किसे मर्द की आन कान हो लई मने। और शादी बिन रंडवा हांडन की क्या शादी बिना मलंग हांडन की तेरा हूरबान हो लई मने। शादी बिना मलंग हांडन की हूरबान हो लई मने। तेरा क्यों कर होगा भला बता रहे हो। क्यों कर होगा भला बताए से मौके पे नचनिया रे। कितने देखूं कितने देखूं रोज तेरे जिसे मतलब ने गाठने आले। तू खोबे से टेम चली जा हम लकड़ी काटने आले। बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार करे। ब्याह करना चाहती है? बिल्कुल। तो मेरी एक बात का जवाब दे। और वो भी तुमसे ही करना चाहती हूँ लकड़हारी। तू ते कौन कड़े की रहने वाली पता कहाँ घर काम तेरा। मगध देश में रे मगध देश में मगध देश में रहा करूं सू सावित्री से नाम मेरा। राजा असुपति की छोरी सावित्री। हाँ। तेरा मेरा ब्याह कैंसिल। क्यों कैंसिल ना? क्यों कैंसिल? भाई दादा एक बात बताइयो ईमानदारी से। यो इतने बड़े बाप की बेटी है यो तो राजा की छोरी है और मैं गरीब लकड़हारा इसका क्या भरोसा। मार्च और अप्रैल के महीने अपना काम काट के फिर भजा देगी मई में हम तो फिर रंडवे के रंडवे। क्यों दादा ऐसा भी होया करे कदे? ऐसा भी होया करता है क्या? और ये क्या बात हुई बड़े घर की लड़की है मैं छोटे घर का? ऐसा कुछ नहीं है ये तो दिल मिलने की बात होती है और मेरा दिल तुझसे मिल गया लकड़हारे और शादी तो मैं करूंगी। ओ झंडू वो तो बेरानी कित मर रहा है। शादी के नाम पे तू क्यों पीछे जा रहा है? तू तो कौन कड़े की रहने वाली पता कहाँ घर गाम तेरा। मगध देश में रहा करूं सू सावित्री सना मेरा। बियाबान में हांडन का बला सावित्री के काम तेरा। जोड़ी कवर मिला नहीं न्यू छुट गया ऐश आराम मेरा। ए जोड़ी का वर मिला नहीं न्यू छुट गया ऐश आराम मेरा। तेरी आपिस की बेल जहर हो तेरी आपिस की बेल जहर हो। वीर सिंह सरपंच जी। अच्छा जी। तेरी आपिस की बेल जहर हो मर्या करे चाटन आड़े।
आशिक काले रकाले रह काले आशिक काले नाग जहर ते एक तन्यारे पाटले आले भूखो बैसे ते मचली जा हम लकड़ी पाटले आले मरत वीर का शरीर एक जैसे मर हम रहते लोटे में राजपाट आनंद छोड़ के क्या के फायदा दुख मोटे में तेरी गैल लाकड़ी रे गैल लाकड़ी काटूंगी त्यों सात नफे और टोटे में तेरी पतली कमर जरब आ जागी ज्यादा वजन भरो पतली कमर जरब आ जागी ज्यादा वजन भरो दुख की परवाह नहीं वीर ने हो दुख की परवाह नहीं वीर ने बाल में रंग छाटन आरे अपने आप हम अपने आप गरीब बता हम अपने आप गरीब बता किस किसके दुख बांटने आले दुखों में सटे मचली जा हम लकड़ी काटने आले शुरू हो रही है प्रेम कहानी शुरू हो रही है प्रेम कहानी आदरणीय श्री सीताराम सनोप श्री राम कुमार जी 2100 रुपए मंदिर के लिए देते हैं जोरदार तालियां और 200 रुपए पार्टी के लिए सीताराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद मान जाइए वरना अच्छा नहीं होगा देखियो पड़ोसियों के कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं सुन हाँ एरी तम तो बुराई थोड़ा बुरा ना मानियो वैसे तू इतनी भी ऐठ में मत रहे आजकल लुगाइयों की कोई ज्यादा कीमत नहीं है दादाजी क्या बात कर रहे हो बात ये कोई बात है भला मैडम रूबी चौधरी आजकल लुगाइयों की कोई ज्यादा कीमत नहीं है कैसे नहीं है 20,000 रुपए की 5 मिल जाती है 5-20,000 दादा 5 चाहिए का दी चाहिए नहीं झंडू इस बात का गवाह है दादा तो 5 के यो सुनो जी इसका बयान ही हुआ था झंडू का कई बार यो प्रोग्रामों में पहले आया करता था रोया करता था जब नहीं हुआ फिर मैंने ही जब इसको स्कीम बताई दादा इसने क्या काम करा 20,000 रुपए की 5 लुगाई लाया और 5 में थे एक लुगाई बढ़िया सी छांट के एक तर रखड़ी अपने और जो 4 थी ना वह 60,000 की आगे बेच दी इसने धंधा खोल रखा मतलब अच्छा तुम्हारा जो मेन है तुम शादी तुम भी करवाते हो शादी और फिर ये काम है किसका 500 रुपए आगे पुरस्कार के इन्हें भी चाहिए 5-5 श्री संदीप त्यागी जी और श्री पवन जून जी शादी की खुशी में 500-500 रुपए से मान सम्मान करते हैं मान सम्मान तो ठीक है ईसा जुलम ना डावे रुपये 80,000 लगे तो इतने कीमत तो ना घटावे उस वक्त 80,000 लगे थे और अच्छा फिर बात तो रहे जमा साचे है आज कह वाली तो है ना 40-50 मावर लाख तो लाख लेकर बैठे हैं हाँ बिल्कुल ठीक है रे ब्याह करवा के मानस के ताई जी ने खाड़े हुया करे ब्याह करवाए बिना गाबरू ऊद लुंगाड़े हुया करे घर पासे ते कुटम फैल जा चिंटू मिंटू टीनू पीनू रीनू बस 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 इतना ही बहुत है हाँ ये भी कने हो गए जमा साजेंगे जितने बालक हो गए
तो आंगनबाड़ी सोच कर बैठेंगे। कोई बात भी है, इतने थोड़ी होने चाहिए। घरवा से तक कुटुंब फैल जा, घने पवाड़े हुआ करे। एक बात और सुन लो कान खोल के लकड़हारे, सुनिए। जिस घर में बालक वीर नहीं वो तो भाग के माड़े हुआ करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो भाग के माड़े हुआ करे। चंद्रलाल भगवान भगत के खोदनिया बिके खोदनिया रे, खोदनिया एक आदि जगत में लाखों चली जा। हम लकड़ी काटने आले उतरी पेड़ ते तले एक में चली जा। हम लकड़ी काटने आले